तो नेक्स्ट इन लाइन है मॉस्का थियोरी, कि मॉस्का ने हमें एलीट थ्योरी के बारे में क्या बताया, थोड़ा सा डिफर करता है ये परेटो से मॉस्का। और किताब का नाम देखो ना, जो जितनी भी बुक्स हैं सबका नाम प्लीज नोट रखना, अगर आप एग्जाम में बुक्स के नाम लिखते हो तो इट शोज एक्स्ट्रा एफर्ट, एंड इट शोज एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब क्या हुआ कि आपका एक्स्ट्रा नंबर आएगा, तो एक एक आधा आधा नंबर ऐसे ही बढ़ता है, इंप्रेशन ऐसे ही क्रिएट होगा कि मेहनत की है हमने, ठीक है जी। तो ये प्लीज़ ये काम करते रहो एक्स्ट्रा जो चीज़ें जैसे हैं, क्योंकि ना देखो आप ना कह रहे हो कि इनएविटेबल कि आपके मैं रट्टा नहीं मार सकता, आई कैन नॉट क्रैम, ये प्लीज़ स्टॉप सेइंग दैट, कि क्योंकि मेहनत है, रट्टा इज़ मेहनत, रट्टा को आपने इसे बदनाम मत करो, इट इज़ अबाउट रीविजिटिंग, ठीक है जी, इट इज़ नॉट रट्टा। आप बार 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 उसको याद करोगे तो याद हो जाएगा। तो हम इसे इसलिए जो चैप्टर अपना पॉलिटी का है, काफ़ी लंबा चैप्टर भी है एंड काफ़ी रिच चैप्टर है, हमने बहुत इसमें जो थिंकर्स वगैरह बहुत डील किए हैं, थियोरीज बहुत सारी उठाई हैं हर लंबस, ठीक है जी, हर लंबस में से सारी बहुत सारी थ्योरीज एक्स्ट्रा दी हुई थी वो सब उठा के डालने की ट्राई की है। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप ये नोट्स फॉलो कर सकते हो इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट। देखो क्लियर कट केस है, जो ज़्यादा एफर्ट मारा उसको ज़्यादा नंबर आने चाहिए, दैट्स इट, आप भी एफर्ट मारो एंड गेट अ लॉट ऑफ मार्क्स, ठीक है जी। ओके, तो मॉस्का ने भी एलीट थ्योरी में कुछ ऑफर किया, किताब का नाम था रूलिंग क्लास। और जैसे प्रीवियस वाला परेटो था वो थोड़ा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे, कि एलीट ऑटोमेटिकली हेरिडेटरी में ही आते हैं तो अच्छे ही निकलते हैं, साइकोलॉजिकली बेटर सुपीरियर है, ये थोड़ा सा सोशोलॉजिकल एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलीट्स पे ध्यान दे रहा है, कि कुछ पर्सनल ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं एलीट में जो कि उनको एलीट बना देते हैं जैसे। और वो कह रहे हैं कि और यहाँ पर अगेन इवन ही बिलीव्स कि एलीट रूल तो यूनिवर्सल है और इनएविटेबल है, यूनिवर्सल मतलब कि दुनिया में हर जगह ही होगा, एंड इनएविटेबल कि इसके बिना गुजारा ही नहीं है, एलीट तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। ओके, आगे वो कह रहे हैं दो ग्रुप्स में, प्रीवियस वाले ग्रुप में क्या था प्लीज़ मुझे बताओ, यहाँ नीचे कमेंट करो, परेटो ने क्या दो ग्रुप्स डिसाइड किए थे कि एलीट दो तरह से होते हैं, ठीक है जी। एंड यहाँ पे दो क्या बताएगा, रूलिंग एंड रूल्ड, कि दो तरह से एलीट्स हमारे पास, रूलिंग एंड रूल्ड। रूलिंग क्लास के करें आगे फर्दर डिवीजन है, कौन से पॉलिटिकल पावर जिनके पास है और एक के पास प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। जो रूलिंग वाले हैं एक के पास पॉलिटिकल पावर है, एक के पास प्रॉपर्टी है, एंड कैन ओवरलैप, ठीक है जी। एंड सब एलीट्स कौन से आएंगे, सब एलीट्स कौन से हैं, जैसे टेक्नोक्रैट्स, ठीक है जी, जो मैनेजर्स या सिविल सर्वेंट्स, ये सारे सब एलीट्स हैं, तो ये प्लीज़ याद रखना। वो कह रहे हैं कि सोसाइटी के दो टुकड़े हैं हमारे पास, रूलिंग एंड रूल्ड। रूलिंग आगे दो तरह से है, एक तो एलीट एंड एक सब एलीट। एलीट के आगे देखा जिसका पॉलिटिकल पावर है वो, प्रॉपर्टी वाले अलग, सब एलीट में टेक्नोक्रैट्स, मैनेजर्स एंड सिविल सर्वेंट्स, लिख के रखना कहीं पर इसको, ठीक है। एंड देन वो कह रहे हैं कि डोमिनेंट इंटरेस्ट रिफ्लेक्टेड इन रूलिंग क्लास, कह रहे जो भी राज कर रहा है आप पर उसमें कहीं ना कहीं एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी नजर आएगी आपको। डोमिनेंट आइडियोलॉजी मतलब जो एलीट थे, जैसे हो सकता है वो एलीट हों, कौन से एलीट हो सकते हैं, जो प्रीवियसली देखे हमने प्रॉपर्टी वाले एलीट या फिर जिनका पॉलिटिकल पावर थी वो वाले एलीट, उनके जो जितने भी उनको जो चीज़ें चाहिए, उनके जो इंटरेस्ट है वो हमें रूलिंग क्लास में नजर आएंगे, जो जो इस वक्त जो सरकार जो राज कर रही है उसमें वो नजर आएंगे, कि वो सरकार अकॉर्डिंगली इस तरह से काम कर रही होगी कि एलीट को ही सर्व करती रहती है, ठीक है जी। ओके, सो एंड द डोमिनेट स्ट्रक्चर्स एंड वैल्यूज़, कह रहे हैं जो भी हमारे पास एलीट हैं वही वाली वैल्यूज़ हमारे समाज में उनकी इज्जत है, कदर है, इसीलिए उनको वैल्यूज़ कहा गया, वैल्यूज़ क्योंकि वैल्यूएबल होती हैं, ठीक है जी। ओके, तो मॉस्का उनको एक्सप्लेन कर रहा है, तो मॉस्का परेटो से कैसे डिफरेंट है, ये आपको ऑफन सवाल पूछते हैं, तो आप वो बोलते हैं परेटो तो बिल्कुल ही गिवअप कर रहा है, परेटो तो कह रहा है कि आम जनता के पास कोई पावर ही नहीं है, एंड आम जनता रिस्ट्रेंट कर ही नहीं सकती, एलीट को रोक ही नहीं सकती। तो यहाँ पे वो कहते हैं नहीं, एलीट्स आर रिस्ट्रेंट बाय वेरियस सोशल फैक्टर्स, कि एलीट ऐसा नहीं है बेधड़क कुछ भी कर सके, नहीं ऐसा नहीं है, कि कहते अगर समाज उनको फिर फॉलो करना बंद कर देता है अगर वो बेधड़क कुछ भी करना शुरू करें। एंड सेकेंडली जो रूल्ड हैं, जितने भी लोग जिन पे राज हो रहा है वो पावरलेस नहीं है, डेमोक्रेसी में दे ऑल्सो हैव पावर, ठीक है जी। तो ही इज़ नॉट वेरी अगेंस्ट डेमोक्रेसी, बट येस अगेन वो कह रहा है कि लेकिन बेटर रूल तो एलीट रूल है, जो हमारा फासिस्ट गवर्नमेंट थी उसको वही वो फेवर करता है। ओके, तो यहाँ पे अपनी ये बेसिक सी कहानी थी, अब रॉबर्ट माइकल्स अगला लेक्चर में देखते हैं क्या रॉबर्ट माइकल्स व्हाट ही हैज़ टू ऑफर। बहुत ही छोटी सी थियरी है और तीन चार छोटे छोटे थियरीज हैं और